एक और बार यॉर्कर के साथ जा रहा हूँ, पिटाई बहुत हुई है यॉर्कर पे फिर भी। अबे अरे 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 अरे, खप हो गई क्या है। हसरंगा, व्हाट वाज दैट भाई? मैं पागल हूँ पटेल भाई, इस ओवर में कुछ कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो ओवर नहीं मिलेगा आपको, समझ गए? नो बॉल पे बोल्ड मार दिया भाई, क्यों क्यों? टूटा हुआ साज हूँ मैं, खुद से ही नाराज हूँ मैं। हेलो व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं प्रंजल, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आईपीएल 2023 इन क्रिकेट 22। तो भाई आज है टेबल टॉपर्स का मैच, आरसीबी वर्सेस एसआरएच। तो भाई ये मैच भाई बहुत मजेदार होने वाला है। एसआरएच अब तक एक भी मैच नहीं आ रहा है एंड आरसीबी एक मैच हार चुका है जो कि राजस्थान रॉयल्स से आ रहा था। भाई टीम की टक्कर खतरनाक होने वाली है, लाइनअप आपके सामने है, तो अब सीधा टॉस की तरफ चलते हैं। टॉस जीत के हमने भाई बॉलिंग ली है जो कि मेरे हिसाब से सही डिसीजन है। एंड भाई ये जो मैच है ये हो रहा है एसआरएच के होम ग्राउंड में, तो चलो चलते हैं पहली बॉल पे। अरे भाई एक छोटा सा स्कैम हो गया यार, अब ये मैच का मैं लाइनअप फिर से भी नहीं लगा सकता हूँ। एंड गलती से गलत लाइनअप लग गई है भाई आरसीबी की, एंड गलत से मेरा मतलब कुछ ज्यादा ही गलत है, मतलब क्या ही तो बताऊं। वैसे तुमने देख ही ली होगी लाइनअप, नहीं देखी है तो पॉज करके देख लो, नहीं तो मैं दिखा देता हूँ। इस लाइनअप में लिटरली विराट कोहली तक नहीं है, आई मीन बहुत बकवास लाइनअप, बहुत ज्यादा ही बकवास लाइनअप लग गई है भाई ये। एंड अब मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है इसका, तो इसी लाइनअप के साथ खेलने वाले हैं भाई हम ये मैच, क्योंकि अब इस मैच में फिर से नई लाइनअप लगा नहीं सकता हूँ मैं, पूरा टूर्नामेंट वापस खेलना पड़ेगा। 5-6 मैच जितने भी थे वो ज्यादा हो जाएगा, तो एक मैच एडजस्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, जैसी भी लाइनअप लगी है क्या ही कर सकते हैं। तो ये बेरेंडोफ का पहला ओवर भाई क्या ही करें अब वेल पहली बॉल पे इस मैच में चौका तो नहीं पड़ा, बट चौक वो उससे बहुत गलत काम हो गया, चौका नहीं पड़ता वो तो चल जाता। पिछले साल की लाइनअप लग गई है भाई, एक काम करो ऐसा मान लो कि इंजर्ड हो गए भाई वो प्लेयर्स, जो हमारे इस साल के लाइनअप वाले हैं वो प्लेयर्स इंजर्ड हो गए ऐसा मान लो तुम, और तो क्या ही कर सकते हैं भाई। स्कैम हो, क्यों होते हैं भाई मेरे साथ ऐसे स्कैम, कोई टेंशन नहीं है, नेक्स्ट मैच से वही अब भाई ध्यान रखेंगे लाइनअप लगाते हुए। इस मैच में यार थोड़ी सी गलती हो गई, इसके लिए माफ करो यार। वैसे बेरेंडोफ ने भाई ओवर अच्छा ही डाला, इसे राज विराट से अच्छा ओवर है भाई साहब, एज भी निकलवा दिया, क्या जान लोगे अब इसकी। अभी तक तो अच्छा ओवर डाला है बेरेंडोफ भाई ने, एंड बस मेरे बोलने ही की देरी थी, खा लिया चौका। वैसे भाई कमेंट कर देना शॉट ऑफ द डे, विकेट ऑफ द डे, ये सब क्या लगा आपको, एंड मैन ऑफ द मैच आपको जो लग रहा हो वो भी बता देना। वेल फिलहाल तो हर मैच में तो मैन ऑफ द मैच होते थे लगभग, होते विराट कोहली, एंड अब की बार तो है नहीं वो। वेल नो बॉल भी हो गई है, फ्री हिट मिलेगी ने, मैं बोला बढ़िया ओवर डल रहा है, उसके बाद चौका खा लिया, नो बॉल पे चौका खा लिया, फिर फ्री हिट पे, चलो फ्री हिट पे कुछ खाया तो नहीं, कैच हो जाएगा, बट फिर भी कैच का कोई फायदा होता नहीं है फ्री हिट पे। अच्छा वैसे आप एक और चीज ऐड कर सकते हो कमेंट में, बैटिंग और बॉलिंग परफॉर्मेंस ऐड कर सकते हैं आप, कि मेरी बैटिंग की परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको, उसको आउट ऑफ 10 रेट कर सकते हैं, एंड बॉलिंग की परफॉर्मेंस कैसी लगी उसको भी आउट ऑफ 10 रेट कर सकते हैं भाई। 18 रन दे गया भाई पहला ओवर, कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? ये भी चौका है क्या? नहीं, ये रन आउट है शायद, ना रन आउट, ओ हो गया, अबे मुझे लगा नहीं होगा भाई, रन आउट हो गया भाई साहब। ओपी भाई, सिराज भाई के पहले ही ओवर में पहली ही बॉल पे रन आउट, किसने किया पता नहीं, बट जिसने भी किया भाई रन आउट हो गया। अभिषेक शर्मा 6 बॉल में 9 रन बना के जाते हुए रन आउट, सुयश प्रभु देसाई। वैसे कोहली भाई के नीचे भाई यही है, मयंक अग्रवाल ही है रन में, तो अच्छी बैटिंग का फॉर्म चल रहा है इनका अभी, तो इनसे भाई जितना इनको जल्दी आउट कर सके वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा हमारे लिए। यस, एक और नो बॉल डाल दी गलती से भाई, क्या चल रहा है ये, चलो। अबे नो बॉल पे ना भाई ये हमेशा फील्डर के पास ही मारता है नूब भाई। नो बॉल डालने के बाद भी इतना बुरा ओवर नहीं हुआ है अभी, देखो चौका वो कब पड़ेगा तो हो जाएगा, एंड फिलहाल तो एज निकाला। लेट्स ट्राई अ बाउंसर भाई, स्लोअर बाउंसर, एंड स्लोअर बाउंसर पे इजी चौका भाई। राहुल त्रिपाठी अच्छा खेल रहे हैं, और देखो ये नो बॉल वाला ग्लिच हो गया भाई, अब एक बॉल एक्स्ट्रा डालनी पड़ेगी हमें, ये बेरेंडोफ एक बॉल एक्स्ट्रा डालेगा। मयंक अग्रवाल को देख रहे हो भाई, शुरू से ही सेट है ये, इस टूर्नामेंट में फॉर्म बहुत अच्छा। अबे कोशिश भी नहीं की भाई, कीपर स्लिप, ऐसे खड़े थे दोनों, बस कोशिश भी नहीं की। लेट्स ट्राई एन ऑफ कटर, एंड ऑफ कटर पे बोल्ड मार दिया है भाई अग्रवाल को, सेकेंड टॉप स्कोरर भाई कोहली भाई के बाद, इनसाइड एज लग के सीधा स्टंप्स पे। अग्रवाल भाई का जल्दी विकेट मिल गया भाई, ये बहुत फायदेमंद है हमारे लिए। मार करम भाई, ऐसे कम मारो यार थोड़ा। सिराज भाई एक विकेट उसने बेरेंडोफ ने दिला दिया, एक आप दिला दो, इजी हो जाएगा।
ये क्या है, ये रनआउट की अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। अगर कोई बंदा ऐसा है जिसने शुरू की वीडियो स्किप कर दी और वो अभी देख रहा है, आई मीन यहाँ से देख रहा है, तो भाई पहले ही बता दूं ये लाइनअप्स गड़बड़ है, गलती से लग गए एंड उसी के बीच में से रनआउट। हाँ तो ये लाइनअप गड़बड़ है भाई, गलती से लग गए, इस साल का लाइनअप नहीं है ये। एंड अब भाई मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास सही लाइनअप लगाने का, तो इस मैच में एडजस्ट करना ही पड़ेगा रे। हसरंगा को लिया है भाई। ओह भाई कितनी स्पिन थी ये, कितनी स्पिन हुई, पिछली लैग ब्रेक नहीं पड़ पाए थे, एक बार ये गूगली डाल के देखते हैं। ओ भाई क्या स्पिन हो रही है भाई, ये स्पिनर फ्रेंडली पिच है, कुछ ज्यादा ही स्पिनर फ्रेंडली पिच है ये भाई, बहुत स्पिनर से बच के रहना पड़ेगा हमें। ओके मार दिया चौका भाई, कितनी स्पिनर फ्रेंडली पिच हो पर हैरी ब्रुक्स नहीं रुकेंगे। लेट्स ट्राई बाउंस बॉल, ओ कैच है भाई, इजी बाउंस बॉल डाली थी, इजी कैच दे दिया हैरी ब्रुक ने, पांच बॉल में चार बना के निकल गए भाई। आज एसआरएच को तो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं भाई बॉलिंग में अब। चलो उस एंड से हसरंगा, इस एंड से अहमद भाई, हो भाई अच्छी फील्डिंग, लेट्स ट्राई एन एफर्ट बॉल। ओ इस पे सिक्स है या कैच, सिक्स भाई। अबे ये ग्लेन फिलिप्स तो हाँ ये भी तगड़ा पावर हिटर है। अच्छा वैसे लाइनअप केवल हमारी ही गड़बड़ है, उनकी एसआरएच की सही लाइनअप है, तो एक ही साइड की लाइनअप गड़बड़ है, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से सही फील्ड है ये, देखते हैं। ओ भाई साफ फील्ड कुछ भी लगा लो, उसको तो गैप निकाल के मारना है। यॉर्कर को एक और चांस देंगे एंड शायद एक और चौका, भाई यॉर्कर तो डालनी ही नहीं है, नहीं डालनी। अगर हम इनको 130 के अंदर रोक सकते हैं तो भाई हमारी नेट रन रेट बहुत तगड़ी हो जाएगी, मतलब कंफर्म तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि क्या पता हमसे भी बैटिंग ना हो पाए भाई इस बॉलिंग पिच पे। इनको ग्लेन फिलिप्स को भाई अच्छे खासे रन बनाने पड़ेंगे, पर क्या बनाओगे बे, एज लग के आउट हो गए भाई। एक एक विकेट निकाल लिया हसरंगा और अहमद ने भाई, एज लगवा दिया उसका फिलिप्स का। वॉशिंगटन सुंदर है भाई, क्या सुंदर नॉक खेल के जाएंगे ये एक। वेल भाई शायद लग तो ऐसा ही रहा है कि अच्छी नॉक खेल के जाएंगे। वैसे भाई वीडियो अब तक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, एंड कमेंट तो भाई कर ही देना, कमेंट तो मतलब ऐसा मान लो जिम्मेदारी है तुम्हारी, तुमको कमेंट करना है। एंड सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो कर लो, ऐसा ही और ऑसम कंटेंट देखने के लिए। दो लेग ब्रेक के बाद अब एक गूगली ट्राई करेंगे एंड फंस गया भाई। दो लेग ब्रेक के बाद एक गूगली डाली, उसमें फंस गए भाई। मार्करम भाई नहीं खेली गई क्या, गूगली नहीं पड़ पाए। एंड इनसाइड एज लग के एक और बोल्ड, आई एम ट्राइंग यॉर्कर, एंड यॉर्कर भी क्या ही तो टाइम करके चौका मारा यार। मुझे ऐसी उम्मीद है कि सुंदर भाई ना अच्छे खासे रन बनाएंगे, पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे ऐसा। हसरंगा भाई का अच्छा स्पेल है अभी तक तो, एंड सिक्स खा लिया है, नहीं सिक्स है ना सुंदर भाई, मैं बोल रहा हूँ ना शायद से सुंदर भाई अच्छे रन बनाएंगे। एक गूगली डालिए, देखते हैं पढ़ पाते हैं क्या। ओ नहीं नहीं पढ़ पाया, नहीं पढ़ पाया। एक और बार यॉर्कर के साथ जा रहा हूँ, पिटाई बहुत हुई है यॉर्कर पे फिर भी। अबे अरे 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 क्या हसरंगा, व्हाट वाज दैट भाई, क्या जरूरत थी उधर डाइव मारी क्यों इसने, किस चीज पे डाइव मारी ये बता पहले तू। मैं पागल हूं। नो बॉल डाल दी भाई पटेल ने, ऐसा क्यों करते हो पटेल भाई। चौका खा लिया ना, देखो फ्रीड पे खा लिया ना, देखो एक ओवर हो चुका उसका भाई, ये नो बॉल वाला ग्लिच अलग ही है भाई। एक बॉल एक्स्ट्रा, अबे वो जो एक बॉल ग्लिच से एक्स्ट्रा डाली है उस पे ही चौका खा लिया, ये भी सही है। मैक्सी भाई ने केवल 6 रन दिए पहले ओवर से, एंड दूसरे ओवर की पहली बॉल पे चौका खा लिया भाई, तारीफ क्यों करता हूँ मैं। बाय द वे भाई इस वीडियो पे मैं शाउट आउट देने वाला हूँ, इस वीडियो पे जो भी कमेंट आएंगे अगली क्रिकेट की वीडियो पे उसको शाउट आउट मिल जाएगा, तो मेक श्योर टू ड्रॉप अ कमेंट। 50 पार्टनरशिप हो गई है भाई साहब, क्या ही तो खेल रहे हैं, एंड 50 पार्टनरशिप के बाद क्या ही तो सिक्स मारा है बे। सुंदर भाई बदला ले रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं तुमने मेरे को टीम से क्यों निकाला, भुगतो अब खाओ चौके छक्के। एक और चौका भाई, बिल्कुल बेकार स्कोर को इन्होंने डिफेंडेबल स्कोर पे ला दिया ऐसा कह सकते हैं हम, क्योंकि अभी तो 5 ओवर बचे हैं, सुंदर नॉट आउट है अभी तो कुछ कह नहीं सकते, और कितना बनेगा। पटेल भाई इस ओवर में कुछ कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो ओवर नहीं मिलेगा आपको, समझ गए। नो बॉल पे बोल्ड मार दिया भाई, क्यों टूटा हुआ साज हूं मैं खुद से ही नाराज हूं मैं। भाई नहीं यार, बोल्ड मारा इतना बढ़िया पर नो बॉल पे, इससे बुरा क्या ही हो सकता है भाई। एक तो आज का लाइनअप बिगड़ गए, ऊपर से ये, और क्या ही तो बोले भाई। सुंदर भाई की 50 हो गई है, 35 बॉल में 51 रन्स। एक इन स्विंगिंग यॉर्कर ट्राई करके देखेंगे,
एंड ट्राई करके देखी है, उस पे चौका खाया है, यही चल रहा है। तो देख लो ऑलमोस्ट हमारे आरआर वाले मैच जैसा हो गया ये, उसमें भी टीम बेकार खेली, मैक्सवेल भाई अच्छा खेल गए बट उस इतना भी उसके जैसा नहीं। इसमें ये राशिद भी सही खेल रहा है, हमारे केवल मैक्सवेल अच्छा खेले थे, छक्का मार दिया भाई राशिद ने, आउट हो जा। ओके हो जा भाई, हो जा बोला था, हो जा भाई, मान गया भाई मेरी बात वो। मैक्सवेल भैया को विकेट दे दिया उसने। ओके एक फ्लाइटर बॉल ट्राई करेंगे एंड सामने स्ट्रेट मार दिया फॉर फोर। भूवी भाई आप कब से चौके मारने लगे यार, ये गलत बात है। चौका है क्या ये? अबे ग्राउंडेड शॉट पे भी चौका मार दिया सुंदर ने भाई, तीन बॉल में पांच रन बना लिए भुवनेश्वर कुमार ने। एक चौका मारा था बट बोल्ड कर दिया है भाई, दूसरा विकेट इनका एंड दूसरा बोल्ड भी भाई। बैरेंट ऑफ अच्छे बॉलर है भाई, इमेजिन करो हम जीते और कोई ऐसा बंदा मैन ऑफ द मैच हो जो इस सीजन में खेल भी नहीं रहा है, कितना ही तो वियर्ड होगा वो। गोइंग विद अ यॉर्कर भाई, अगेन अगेन अगेन, कितनी यॉर्कर डालो और यॉर्कर डालो, चौका खाओ। मलिक भैया जी आप बोल्ड हो जाओ, आप बॉलर ही अच्छे लगते हो, बैट्समैन नहीं। अरे 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 नहीं नहीं नहीं, रनआउट 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 रनआउट, क्या बैरेंट ऑफ भाई, लास्ट ओवर है, क्या बोलते हो एक और विकेट ली जाए? क्यों नहीं, क्यों नहीं, उमरान मलिक का विकेट लेते हैं ना भाई, ये नीचे क्या बोलते हैं भाई, बॉटम वाले बैट्समैन है ना, जो उनको बोल्ड बोल्ड करके बढ़िया विकेट बढ़ा रहे हैं। नट्टू भाई आ गए हैं खेलने एंड भाई अच्छा शॉट खेला है बे नटराजन, व्हाट द हेल। बैरेंड ऑफ भाई चौथा विकेट लिया जाएगा, क्या बोलते हो, क्या बोलती पब्लिक, चौथा विकेट बैरेंड ऑफ का भाई, देख रहे हो सीरीज में भी नहीं है, चार विकेट निकाल लिए भाई ने। वेल वॉशिंगटन सुंदर का बहुत तगड़ा प्ले था भाई, नॉट आउट गए वो आखिर में भी एंड भाई अलग लेवल का खेल है वो पूरी टीम से। तो भाई ओपनिंग करने आ गए फाफ डुप्लेसी एंड अनुज रावत। अगर आप सीधा स्किप करके इधर आए हैं तो भाई मैं बता देता हूँ कि गलती से गलत लाइनअप सिलेक्ट हो गया था एंड मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था बैक जाने का, तो यार भाई इस मैच में स्टक है हम इस लाइनअप पे एंड इसमें मेन चीज कोहली भाई तक नहीं है, तो इसका कुछ नहीं कर सकता यार, इस चीज के लिए माफ करो। ये मैसेज केवल उनके लिए जो भाई सीधा इधर आ गए भाई स्किप करके, क्यों आए यार तुम स्किप करके, अच्छी बात नहीं है ये। फिलहाल तो डुप्लेसी भाई वेल मारना तो इधर नहीं चाहते थे बट अब चौका ही मारना चाहते थे, चौका ही मिल गया तो किधर भी मारो क्या दिक्कत है। अगर हम भाई 15 ओवर में मैच खत्म कर देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। फिलहाल तो अनुज रावत गोल्डन डक भाई, नटराजन ने दो बॉल लाई लगातार, डॉट डाल दी है मैक्सवेल को, मैक्सवेल को गुस्सा आ रहा है, गुस्सा वो ऐसे निकालेंगे कि छक्का मार देंगे, भले ही एक सिक्स पड़ गया हो बट स्टिल भाई केवल वो सिक्स ही पड़ा है और कोई रन नहीं आया इस ओवर से एंड विकेट नहीं आया भाई। अबे रन आउट, नहीं 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 नहीं, क्यों भाई क्यों भाई, नहीं ना स्कैम हो गया ये तो, पहले मुझे लगा कैच आउट हो जाएगा वो नहीं हुआ बट रन आउट हो गया, विकेट मैक्सवेल भाई का ही गिरा, क्या ही फर्क पड़ गया उससे। डुप्लेसी भाई कोहली भाई नहीं है, यही मौका है आपके पास भाई, बताओ कि क्यों कैप्टन हो आप टीम के भाई, अब तक एक बार भी मैन ऑफ द मैच नहीं बना डुप्लेसी, क्या पहली बार बन पाएंगे। फिलहाल तो हजरंगा बैटिंग कर रहे हैं, ओके ओके कुछ ज्यादा है नहीं इस पे मेरे पास कहने को। हसरंगा भी शायद गोल्डन डक ही हुए हैं भाई, या भाई एक और गोल्डन डक, रावत और हसरंगा दोनों गोल्डन डक। एक रिवर्स स्वीप का ट्राई करेंगे एंड या भाई ट्राई किया एंड भाई रिजल्ट अच्छा ही आया है, चौका मिल गया। डुप्लेसी भाई का स्ट्राइक रेट अलग ही आसमान छू रखा है और भाई इधर रुकने का तो उन्होंने बिल्कुल नहीं सोच रखा भाई, एक और चौका, एक लॉफ्टेड खेलने वाला हूँ डुप्लेसी भाई से एंड ये भी चौका भाई, डुप्लेसी भाई के आगे किसी की नहीं चलेगी। अभी देखते हैं लोमब्रोर भाई कैसा खेलते हैं एंड अच्छा ही खेल रहे हैं भाई, फिलहाल तो चौका मार दिया है। अगर मैं ऐसे खेलूंगा तब तो मैं कर सकता हूँ 15 ओवर में खत्म इजीली एंड भाई क्या ही तो पावरफुल शॉट खेला है लोमब्रोर भाई ने, अगेन फोर। पावर प्ले में मेरा ये टारगेट रहेगा कि 70 रन बन जाए भाई, 70 रन आर गुड एंड सिक्स ही मार दिया तो भाई लोमब्रोर अनस्टॉपेबल और व्हाट। देखो भाई गलत लाइनअप लगा है एंड लोमब्रोर और डुप्लेसी दोनों अच्छा खेल रहे हैं, ऐसे नॉर्मली दोनों ही अच्छा नहीं खेलते हैं भाई, अब दोनों अच्छा खेल रहे हैं, क्या ही तो कोइंसिडेंस है ये। वेल ट्रिपल के लिए नहीं, नहीं ट्रिपल के लिए नहीं देखेंगे भैया, रन आउट नहीं चाहिए हमको। मैं सच बताऊं तो ये फील्ड बहुत बकवास लगा रखी है कुमार भाई ने एंड वैसे फील्ड तो क्या ही करेगी, जब मैं सिक्स ही मार लूंगा तब फील्ड का क्या काम है। क्या मारोगे लोमब्रोर भाई अब सामने, ये सामने मारेंगे एंड जाएगा फॉर अ फोर भाई,
थोड़ा वैसे सच बताऊं तो थोड़ा भाई ऐसे दिक्कत थी, कैच आउट हो सकता था बट हुआ नहीं है, चौका मिला है। डुप्लेसी लोम्ब्रोर अलग ही खेल रहे हैं भाई, अलग ही खेल रहे हैं। एक और चौका भाई कुमार और मलिक दोनों को गंदा मारा है। मलिक नहीं सॉरी नटराजन, मैं बोल रहा था पावर प्ले में 70 का टारगेट है एंड पावर प्ले से तो पहले ही बन गए। अब टारगेट हम भाई रिवाइज कर लेते हैं, अब टारगेट है भाई 85 का। देखते हैं मेरा टारगेट पूरा कर पाता हूँ क्या मैं भाई पावर प्ले में 85। एंड फिलहाल चौका मार दिया, उसके साथ हम 75 पे पहुंच गए। अब हमें चाहिए 3 बॉल में 10 रन। क्या लगता है खुद का टारगेट पूरा कर पाएंगे, 3 बॉल में 10 रन बना पाएंगे? देखो ओ ओ ओ नहीं 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 नहीं, ओ थैंक यू सो मच भाई, मेरे भाई बच गए। एंड क्या ही तो बकवास फील्डिंग भाई, उस एंड पे इतना इजी थ्रो करके आउट हो सकता था मैं। ओके हमारा खुद का वाला टारगेट तो पूरा नहीं हुआ बट कोई बात नहीं, 80 भी सही है, 80 भी नहीं मैंने बहुत बढ़िया। चलो फिर भी पावर प्ले से 77 बन गए भाई, बहुत सही रन है ये। आदिल रशीद भाई बहुत अच्छे बॉलर है, पर कितने ही अच्छे बॉलर हो जब बैट्समैन का फॉर्म हो तब क्या कर लोगे भाई। 6 मारा है, क्या ही तो एडवांस शॉट, इतना लालच दे रहा भाई ये सुंदर, इतना गैप। चलो लालच एक्सेप्ट कर लिया एंड भाई लालच बुरी भला नहीं है बे, छोड़ दिया कैच छोड़ दिया लॉल, और फिर दूसरा कैच छोड़ा है लोम्ब्रोर का, जो स्ट्रेट में गैप है ना उसके लिए जा रहा हूं मैं। कैच हो गया, बहुत बहुत अच्छी इनिंग्स लोम्ब्रोर भाई की। अगर मैं चाहता तो इनकी आराम से 50 करा सकता था बट मैं सीधा मारने को जा रहा हूँ क्योंकि नेट रन रेट। शहबाज अहमद को बुलाएं, इनसे सीधा एडवांस खेलेंगे। नहीं नहीं नहीं, अब सुंदर ने बैटिंग भी तगड़ी की है, सुंदर बॉलिंग भी बहुत तगड़ी कर रहा है, ये गलत सीन हो रहा है। देखो कार्तिक भाई से अपने नॉर्मल से बढ़िया स्वीप खेलेंगे क्योंकि कार्तिक भाई को स्वीप पसंद है, स्वीप को कार्तिक भाई पसंद है एंड इन दोनों को ही चौका पसंद है। डुप्पी भाई आ गए खेलने, ओ भाई साहब क्या ही तो बढ़िया रिवर्स स्वीप मारा है फॉर 4। कार्तिक भाई से वही अपना स्वीप रिवर्स स्वीप चालू रखेंगे एंड बढ़िया उसका रिजल्ट भी वही चालू रहेगा चौका। सुंदर भाई बहुत बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस ओवरऑल, बैटिंग बहुत अच्छी की, बॉलिंग में भी 2 विकेट ले लिए अब तक, और क्या लोगे इससे। डुप्पू भाई से अपन बढ़िया स्वीप के लिए जाएंगे एंड यस भाई स्वीप काम कर गया है, इजी चौका मिल जाएगा बिल्कुल इजी। कार्तिक भाई चौका वोका मारो ना यार, क्या चल रहा है ये। हाँ ऐसे ऐसे बहुत बढ़िया भाई, क्या स्पीड से गई है बॉल, क्या ही तो स्पीड से गई है। अभिषेक शर्मा को भी बॉलिंग करनी आती है क्या बे? वेल आती है नहीं आती, फिलहाल चौका खा लिया है एंड इस चौके के साथ डुप्लेसी भाई अपनी 50 पूरे किए हैं। 23 बॉल 51 रन, बहुत सही पहली 50 आई इनिंग्स की जब लाइनअप बिगड़ गया। देख रहे हो डुप्लेसी भाई की पहली 50 तब आई है जब लाइनअप बिगड़ गए भाई, मजाक कर रहा था डुप्लेसी भाई, सीरियस होने की क्या जरूरत थी, आउट ही हो गए। एक और रिवर्स स्वीप, इट्स अ गुड वन आई गेस, चौका आ जाएगा गैस पे। ओ चौका आ गया भाई, बहुत बढ़िया। नट्टू भाई बैक अगेन एंड अच्छा शॉट है, चौका जाएगा क्या? बहुत ही बकवास फील्डिंग के चलते चौका मिल गया हमें। मैच बिल्कुल अच्छा खासा सेट लोम्ब्रोर और डुप्लेसी भाई कर गए, अब जीता क्या नाम है इनका कार्तिक भाई जाएंगे इजी। 8 रन आ गए ओवर से, क्या 12 आ पाएंगे इजीली? आ पाएंगे तो ऐसे पूछू की क्या 16 आ पाएंगे? हाँ तो अब पूछ लेते हैं क्या 16 आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे कोई बात नहीं। वेल 15 ओवर में मैंने खत्म करने का सोचा था, 15 ओवर में तो बिल्कुल नहीं हो पाया, कोई बात नहीं 12 रन चाहिए तो थोड़ा बहुत रिस्क लेने वाला हूँ मैं कार्तिक भाई से एंड शायद रिस्क वर्थ इट था बिकॉज 6 आ गया है एंड इसके साथ ही कार्तिक भाई की 50, 34 बॉल में 51 रन, 7 चौके 1 छक्का। क्या एक और वैसा ही शॉट मार के मैं फिनिश कर पाऊंगा? नहीं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, कोई बात नहीं अब तो 6 रन चाहिए भाई, कोई भी बना जाएगा। स्टिल बहुत अच्छी इनिंग्स, 35 में 51 अच्छी खासी इनिंग्स खेल के गए। प्रभु देसाई भाई अपने इजी रिवर्स स्वीप पे चलने दो, अबे भाई बहुत अच्छी फील्डिंग, क्या पता हर्षल पटेल ही 6 मार के जिता दे भाई, रहने दो भाई उम्मीद भी कैसे कर सकते हो। क्या प्रभु देसाई 6 मार के जिता पाएंगे एंड जवाब है नहीं, आउट हो गए भाई। ऑलमोस्ट 6 मार दिया था यार बंदे ने, ऑलमोस्ट 6 मार दिया था, हल देखो बाउंड्री पे कहा यार क्या ही तो बोले। सिराज भाई बकवास नहीं, एक चौका मारो मैच खत्म इजी। चलो कोई बात नहीं, पटेल भाई से पटवाएंगे चौका। हाँ तो पटेल भाई तीसरी बार बोल रहा हूँ, कोई बकवास नहीं, सीधा चौका मारो जिताओ भाई। यस 6
कैसा सिक्स था ये भाई, कैसा सिक्स था ये। स्कोर कार्ड आपके सामने, मैंने जैसा कि बोला था वाशिंगटन सुंदर मैन ऑफ द मैच है, मेरा भी मैन ऑफ द मैच जो है वाशिंगटन सुंदर ही है। वेल भाई, आपको अगर कोई और मैन ऑफ द मैच लग रहा है तो जरूर कमेंट करके बताना कि नहीं ये है मैन ऑफ द मैच। तो आपको स्टैटिस्टिक्स और टेबल दिखा देता हूँ। तो स्टैटिस्टिक्स आपके सामने, भाई कोहली भाई एक मैच नहीं खेले फिर भी टॉप पे है, और क्या लोगे। हसरंगा भाई, हसरंगा अपने टॉप विकेट टेकर चल ही रहे हैं। अबे रोहित शर्मा का आ गया टॉप स्कोर 126, पर क्या ही कर लोगे क्योंकि मुंबई इंडियंस ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है 7 में से 3। क्या ही, अब कोई चांस नहीं है मुंबई अपने पास, ठीक है। एक एक मैच बचा है। आरसीबी टेबल टॉपर्स बन चुके हैं भाई, नेट रन रेट अपना बहुत सही हो गया है। एंड भाई टेबल टॉपर्स बनने का तो अलग ही सेटिस्फेक्शन है, तुम जानते हो। अब अपना कितने मैचेस बचे हैं अपने एक बार देख लेते हैं। अभी दिल्ली से है एंड अपना फिर लास्ट मैच हो जाएगा सीएसके से, बस इतने ही मैच है। तो भाई होप करता हूँ मजा आया होगा आपको वीडियो में। मजा आया तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों परिवार का वीडियो को शेयर कर दो जो गेमिंग में, आईपीएल में, क्रिकेट में, आरसीबी में, सीएसके, अरे समझ जाओ यार किसी में इंटरेस्टेड होंगे उनके साथ शेयर कर दो। सब्सक्राइब कर रखा है तो दिल से थैंक यू, नहीं कर रखा है कोई बात नहीं, बाद में कर लेना ऐसा और ऑसम कंटेंट देखने के लिए। ऑसम ओके। तो यप भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।